और एक्सप्रेस स्पेशल में अब बात करेंगे मुंगेली की। यहां पथरिया में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का एक हितग्राही भटकने को मजबूर है। मामला हिंछापुरी ग्राम पंचायत का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भीकम प्रसाद जांगड़े को 2019-20 में आवास के लिए पात्र बनाकर पहली किस्त 25,000 रुपये बीते साल सितंबर में उसके खाते में डाल दी गई थी। इसके बाद भीकम ने अपना कच्चा मकान तोड़कर नींव खुदवाई, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी उसके खाते में दूसरी किस्त नहीं पहुंची, बल्कि उल्टा उसे पहली किस्त की राशि वापस करने के लिए नोटिस थमा दिया गया। इसके बाद से भीकम और उनका परिवार परेशान होकर भटक रहा है। बताया गया है कि सरपंच ने हितग्राही का पक्का मकान होने का हवाला दिया, जिसके बाद उसे आवास के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब कच्चा मकान देखकर भीकम को पात्र माना गया था, तो वो अब अपात्र कैसे हो गया? मामले में पीड़ित ने सरपंच सचिव पर पैसे देकर आवास देने का आरोप भी लगाया है। और कि मेरा इंद्रावास आए थे सच्ची और सरपंच मोर घर मारी से फिर इंद्रावास बाबू तब 25,000 रुपये किस तारी से ओकर 25,000 आ रही, तब ईटा पथरा राड उड मंगा के ओकर बाद 25,000 रुपये नहीं दे तो ओकर बाद सरपंच और सच्ची बोलत रही से मोर 40,000 रुपये दी तो 40,000 रुपये नहीं देते, निरस्त कर दी मोर हे ला घर ला। और मैं कहा कर रहा हूँ साहब, ये जनपद सदस्य के द्वारा मुझको अवगत कराया गया, जांच के लिए मैंने टीम गठित कर दिया है और जैसे जहां से आता है तो बिल्कुल जो भी शासन के नियमानुसार है उसके कार्यवाही किया जाएगा। और इसके ऊपर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र डनसेना हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है। पहले 25,000 रुपये दे दिए जाते हैं, फिर अपात्र मान लिया जाता है और अब कहा जाता है कि वो 25,000 भी लौटा दिए जाए, तो क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बता दो, विकासखंड पथरे के ग्राम पंचायत हिंचापुरी का मामला सामने आया है, जिसमें हितग्राही भीखम जांगड़े सीता मोहन जांगड़े को प्रधानमंत्री आवास के तहत 2019 में आवास पास हुआ था, जिस पर की कार्यालयीन प्रक्रिया पूरी कर प्रथम किस्त की राशि 25,000 रुपये 25/9/2019 को हितग्राही के बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया है, जिसके पश्चात हितग्राही के द्वारा अपने कच्चे मकान बतौर नींव की खुदाई के बाद आवास निर्माण देवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा। जो हितग्राही हैं वो ही हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, भीकम जांगड़े। भीकम जी, क्या परेशानी है आपकी? बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया आपके साथ हो रहा है। पहले आपके खाते में पैसे डाल दिए जाते हैं, फिर ये कहा जाता है कि आप अपात्र हैं और वो पैसे भी वापस लौटा दें, और आप अपना कच्चा मकान भी गिरा देते हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ साहब, वो तो नोटिस नोटिस आए हैं पैसा वापस करके करके जी। पहले कच्चा मकान के फोटो खोज के ले गए रही जी, आप बोलत की तो यहाँ पात रहा पैसा वापस कर ऐसे करके पैसा मांगे रही साहब मोर जगह जी। तो कौन किसकी किसकी गलती नजर आती है इस सब पूरे उस मामले में आपकी? आपको सरपंच और सचिव वही में रोक लगा साहब। तो सरपंच साहब की बात हुई, क्या कह रहे हैं अब वो? बोला थे कि तब जब 20,000 40,000 मांगे रहे तो पैसा नहीं दे यार, अब हम कुछ नहीं कर सकन, पैसा देवे तो काम हो ही, ऐसे करके बोला त्रिही। आप क्या काम क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते साहब। तो आपने सरपंच से बोला नहीं कि 40,000 रुपये में कहाँ से लाके दूंगा? बोले हम साहब तब नहीं दे, बहुत आदमी दिए है तो हुल दे पर ही नहीं फिर तो पैसा वापस हो ही, ऐसे करके नोटिस भेज दे मोर घर। तो किसी से शिकायत की आपने मामले की? शिकायत तो अभी नहीं कर रहे साहब, यही वाले मना रही तेने मतलब बताए हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवेंद्र। यहाँ तो वाकई बड़ा ही, जो अभी बात हुई हमारी हितग्राही भीकम से, तो अब उनसे तो साफ साफ वो सरपंच पर आरोप भी लगा रहे हैं कि 40,000 रुपये मांगे और अब ना ये घर के रहे हितग्राही ना घाट के रहे, तो क्या कुछ कर रहा है प्रशासन वहाँ पे? इसमें हितग्राही द्वारा लगातार जनपद का चक्कर लगाया जाता रहा है, जिसमें सरपंच द्वारा आनाकानी करते हुए बार बार बोला गया जाता रहा है कि बीच में पैसा देंगे देंगे करके, अचानक उनको नोटिस दिया जाता है, जिस पर हितग्राही नोटिस का कारण पूछे जाने पर सरपंच द्वारा पक्का मकान होना बताया जाता है,
जिस पर की आपको बता दे बड़ी बात निकल कर ये सामने आ रही है कि जब किसी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र घोषित किया जाता है तो उसको कच्चे मकान का नॉन स्टार्टिंग जियोटेक किया जाता है, नॉन स्टार्टिंग जियोटेक करने के बाद आवास सेंक्शन किया जाता है, उसके बाद प्रथम किस्त की राशि हितग्राही भीकम जांगड़े के एसबीआई के अकाउंट में डाला गया और हितग्राही के द्वारा सरपंच के ऊपर प्रधानमंत्री आवास के पैसा देने की मांग की बता सामने आ रही है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण में 1,20,000 का पैसा सेंशन होना है जिसमें प्रथम किस्त की राशि नीक खुदाई पे 25,000 रूपए, दूसरी किस्त चौखट लेंटर होने पे 40,000 रूपए। देवेंद्र जिस हिसाब से हमारी भीकम से बात हुई है तो ऐसा लगता नहीं कि वो कहीं और शिकायत कर सकते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस मामले को आप वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखकर भीकम को उसका घर दिलाने में उसकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भीकम आपका, देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त